हमारे साथ इसमें कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेता रंजीत रंजन जी, बिहार को लेकर क्या तैयारी कर रही है कांग्रेस पार्टी? देखिए, आज हम लोग की शुरुआत हुई वर्चुअल रैली की, बिहार क्रांति की शुरुआत की और बिहार बदलने की शुरुआत हुई है और मुझे लगता है कि बहुत सक्सेस हो रहा है। 7 तारीख से हम लोगों ने करा हुआ है और जिस तरह से लाखों की तादाद में व्यूवर्स जुड़ रहे हैं और आज 2 जिलों का था, सुपौल और मधुबनी का, और जिस तरह से लोगों में जोश देखने को मिल रहा है और जो हालात हैं बिहार के, क्यों नीतीश बाबू ने मुंह में टेप लगाया हुआ है और चाहे कोरोना की बात हो, बाढ़ की बात हो, हत्याओं की बात हो, दलित हत्या की बात हो, लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, लूटपाट बढ़ रही है, लेकिन वो चुपचाप और एक तरफ स्कूल कॉलेज बंद करके बैठे हैं और दूसरी तरफ चुनाव किसी भी हालत में हो जाए उसके लिए उन्होंने सारी जोर आजमाइश की हुई है। तो यहीं पर सब कुछ दिख रहा है और हम लोग चाहते हैं, कांग्रेस चाहती है कि जो बिहार के साथ सरकार में रह के नीतीश बाबू ने जनता के जो आशीर्वाद था उसके खिलाफ जाके जो मोदी साहब का साथ दिया और आज जिस तरह की धोखाधड़ी हो रही है उसको कांग्रेस लेके जा रही है, और मुझे लगता है कि इसका चुनाव में बहुत बड़ा भुगतान जो है एनडीए सरकार को भोगना पड़ेगा। दूसरी ओर आपके ही वरिष्ठ नेता हैं दिग्विजय सिंह जी, उन्होंने कहा है कि LJP का भी स्वागत है, उनको जो है महागठबंधन में आना चाहिए। देखिए, दिग्विजय बाबू बहुत बड़े लीडर है और मैंने नहीं सुना अभी, लेकिन LJP और पासवान साहब अगर वो आना चाहते हैं तो मुझे लगता है ये आला कमान तय करेंगे और हम सब लोग चाहते हैं कि जो बिहार का भला चाहते हैं और वो ये कहते हैं अगर कि जो NDA ने किया वो बिहार के साथ गला किया तो मुझे लगता है गलत किया, तो मुझे लगता है हम सब स्वागत करेंगे। कब तक जो है टिकटों का फाइनलाइजेशन हो सकता है, अलायंस का फाइनलाइजेशन होता है, इसके साथ साथ आप लोग कब तक जमीनी तौर पे उतर के जो है वो प्रचार प्रसार करेंगे? देखिए, जमीनी तौर पे तो हम लोग उतर चुके हैं, चाहे वर्चुअल रैली के माध्यम से हो, चाहे हर जिले वाइज वहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, जिला अध्यक्ष है, वहाँ पे जो कांग्रेस का संगठन है वो लोग उतर चुके हैं, जिन्होंने लड़ने का मन बनाया है। बहुत सारी सीटें ऐसे होती हैं कि जो अंडरस्टूड होती है कि उसी को मिलेगी, तो वो लोग सब लोग अपने अपने क्षेत्रों में है। तो निश्चित तौर से ये महागठबंधन किस तरह से रूप लेता है और कितनी सीटें किनको मिलती है ये प्रभारी तय करेंगे, आला कमान तय करेंगे। लेकिन जल्द क्या अनाउंसमेंट हो सकती है अलायंसेस और सीटों को लेकर, क्योंकि आपकी कमेटी तो एक बिठाई दी है? ये तो अब अजय कपूर साहब अभी जो निकले हैं वो बताएंगे, मेरा बताना सही नहीं होगा। तो ये थी रंजीत रंजन हमसे बात करते हुए, कैमरामैन गंगा सिंह के साथ मैं सुप्रिया भारद्वाज, TV9 भारतवर्ष दिल्ली। News Top 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।